इसकी बरकस कबायली का नामा नजीब खान वाजी के खिलाफ एक झूठा एफआईआर दर्ज किया गया। उसके खिलाफ हम काकड़ कबायल ये वजह चाहते हैं कि भाई अगर नजीबुल्ला खान वाकई इसमें फहरिंग किया हुआ है या इसमें वाकई ये दहशत हुआ है, तो हम इस बंदे के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें कबायली रस्म रिवाज के लिए हर किस्म नुकसान के लिए हम पूरा करने के लिए तैयार है। वो हम ये कबायल रहते हैं, अगर वो इसकी अकस में ये बराकस काम ये करते हैं कि करता है कब्जा प्लाट पर और अवाम की तवज्जो जुल्म की तरफ ले जाते हैं कि मैं मुस्लिम मुलजम हूँ मसलूम हूँ, लेकिन वो कर रहे जुल्म, उसका मैं वजाहत कर रहा हूँ कि हम काकड़ कबायल ने ये फैसला किया हुआ है कि हम जो यहाँ पर रहते हैं चाहे पश्तून हो बलोच हो बल्ची हो अचिसई हो सब हम लोग भाई हैं, हम लोग एक दूसरे के एहतराम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक दूसरे का बेइज्जती करें या एक दूसरे का जमींदारी पर कब्जा करें। साथी हजरात हाईकोर्ट का स्टे मैंने आप लोगों को दिया हुआ जो इस जमीन पर स्टे है आज की तारीख के भी अवसानी का थी, उसके बावजूद उसके पास इतने लोग हैं कि वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। आज उसने विवाद बनाया है, हम नसीबुल्लाह चकसाई ने साबित किया, अगर नसीबुल्लाह चकसाई ने ये साबित किया तो काकड़ कबायल रस्म व रिवाज के मुताबिक अपना अनुकूल करेंगे, अगर नुकसान का जाला देंगे, अगर उसने ये साबित ना किया इसने निज़ाम लगाया तो इस काम काकड़ कबायल वजात चाहते हैं। दीवार का बनाना और गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है, काम ये चाहते हैं कि हमारी बदकिस्मती से हमारे ज़मीनों पर कब्जे क्यों हो रहे हैं और कर रहे हैं एफ आई आर। यहाँ पर अजमा था जनाब को भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ कबायल के बीच में भी एक वो लाते हैं कि हम कबायल दस तो गरीबान हो जाए। हम कबायल वाजे करना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण लोग हैं और यहाँ की लोकल काकड़ कबायल है जो बहुत बड़ा कबीला है, और ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारा ज़मीन पर आप ज़बरदस्ती करें। हम हाईकोर्ट बलोचिस्तान कोर कमांडर चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालबा करते हैं कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं या कब्जागरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और उनकी स्पोटरों ने हम काकड़ कबायल को ये सबूत पेश ना किया तो हम दीवार भी गिराएंगे और इससे अपना इज्जत का इजाला भी करेंगे, क्योंकि हम मजबूर हो गए हैं कि हम पर अमन लोग हैं, हमको बार बार लोग तंग कर रहे हैं। गुज़श्ता रात शाम को नया किले में 25-30 बंदों ने दो बंदों को कब्जे के खातर मारा हुआ है मालिक को, वो कराची में जेर समाते हैं और यहाँ पर इंसानियत खामोश कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आया एयरपोर्ट रोड एक वीआईपी रोड है, इस पर जिस दिन फायरिंग हुआ है उस टाइम सीएम साहब का रूट लगा हुआ है, यहाँ पर हजारों कैमरे लगे हुए हैं। हम ये गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, नसीबुल्लाह से भी मुतालबा करते हैं कि आप नसीबुल्लाह पर साबित करो, अगर नजीब खान पर साबित ना हुआ तो हम लोग इसका अपना तरीके से कबायली रस्म रिवाज के मुताबिक इससे अपना नुकसान का और अपना जमीन का वो पूरा करें। अच्छा कबीर साहब, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम काकड़ कबायल से मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हम नजीब की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आप कहते हैं आपके सामने लाए, अगर कुछ स्टेट है या कोई भी है तो कैमरे की वीडियो है तो लाए, अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट की इस परीक्षा नहीं ले रहे। हाईकोर्ट का स्टे पड़ा हुआ है, आज दीवार बन रहा है, पुलिस के मौजूदगी में पुलिस भी पड़े, तो हम लोग इस पर मजबूर हो गए कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम लोग खुद करें। लोकल और बाजी कबीले जो पेटा शहर में उसका 3000 एकड़ दादा का उसके नाम पर है, अब नसीबुल्लाह का दादा का 1 एकड़ बता दो। नजीब बाजी का ये बेमारी है,
कबीर मामू है, नसीबुल्ला का मामू है। कबीर साहब ये बताए कि पहले वाजे थे कि अचकसई भी मेरा भाई है। कुछ लोग इसको अचकसई का नाम दे रहे हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं दो, बेशक आप उसके अंदर दो, आओ मेरे साथ बैठो, आओ कबायली के समझवार में बैठो। अगर नजीब ने गलत किया है तो आप बता दो, अगर नजीब ने नहीं किया हुआ है आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो फिर जो लोग उसके पास जाते हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सियासी लोग जो है कम से कम दोनों पार्टी को सुनें कि भाई ये क्या मसला है। अगर आप एक के साथ जाते हो दूसरे को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा नाम ये मुनासिब नहीं समझते हैं कि आप एक तरफ जाते। आपके सामने हाई कोर्ट का आर्डर पड़ा हुआ है तो फिर एजेंसियों का क्या ज़रूरत है, जब अदालत से इंसाफ के तौर को है, जब आर्डर आपके साथ है उसके पुलिस के मौजूदगी में दीवार बन रहा है तो उसमें फिर इधारों का क्या। देखो अब मैं आपको वाजे कर रहा हूँ कि ज़मीन किसका है, किसका वो दिखाया सबूत किस पर मेरा है, ये मैंने ख़रीदा है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा दादा का है, मेरा वरासत है। अब चोर जो चोरी करता है वो भी कहता है मैंने चोरी नहीं किया। हम तो ये वाजे करना चाहते हैं कि भाई आप आए बैठे, उसके पास 2014 का इंडिका है तो किसी से ख़रीदा होगा, उस बंदे को लाए कि मैंने इससे ख़रीदा है, क्यों बदमाशी कर। अच्छा कबीर साहब ये बताएं कि आप लोग ने अपने तौर पर भी दिक्कत की होगी कि कौन किसने फायरिंग की है, कल का वाकये में कौन थे, नजीब था उसमें शामिल था या नहीं था, आप लोग ने अपने तौर पर भी तो तहकीक की होगी। मैंने जहाँ तक हम लोगों ने जो तफ्तीश किया हुआ है उन्होंने खुद किया हुआ है ताकि आवाम और कबाइली हमदर्दी हासिल करें और आवाम को ये शुक्र है कि ये जो है नाजायज कर। असल मसला ये है अब उनकी जो गाड़ी है वो सारे इंश्योरेंस के हैं, अब गाड़ी पर फायरिंग से नजीबुल्ला को क्या मिलेगा, उसने खुद ये ड्रामा मचाया। तवज्जो लोगों का इससे हटाए और इसको जो है जालिम शुक्र नजीबुल्ला खुद क्यों नहीं।